दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करते हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे किसी भी स्टॉक को आप बॉटम में बाई करोगे और टॉप में सेल करोगे, ठीक है। इस स्ट्रेटजी का नाम है प्रो गैप अप एंड प्रो गैप अप डाउन स्ट्रेटजी, या हम प्रो गैप अप एंड गैप डाउन को हम इसको मैजिकल गैप्स के नाम से जानते हैं। इसको हम चार्ट के माध्यम से भी समझेंगे, ठीक है। बट इसके लिए एक शर्त यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में ही लागू होगा, इंट्राडे में या आवरली इसमें लागू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें डेली टाइम फ्रेम में, राइट। तो एक बार समझते हैं कि प्रो गैप अप एंड प्रो गैप डाउन क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा हम थ्योरिकल इसका जानते हैं कि थ्योरी क्या है, ठीक है। तो आपको यदि चार्ट में कोई स्टॉक कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है, यह फॉल आपका कम से कम 4-5% होना चाहिए, मिनिमम 4-5% आपका होना चाहिए, तो ही यह स्ट्रेटजी आपकी वर्क करेगी, राइट। तो अगर कोई स्टॉक आपका कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है और नेक्स्ट डे उसने यह एक अगर फॉल हो रहा है तो एक क्या होगा, हमारे एक रेड कैंडल होगी, उसके बाद नेक्स्ट डे यह गैप अप ओपन है क्योंकि इसकी क्लोजिंग ये है, क्या है ये क्लोजिंग है, और नेक्स्ट डे ओपन यहां पर होता है और डे एंड में क्लोजिंग यहां पर करता है, दैट इज कॉल्ड प्रो गैप अप। यानी कि लास्ट डे हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड था लेकिन आज मार्केट गैप अप ओपन हुई और उसने हाई में क्लोज किया है, यानी कि इस लो से जो लास्ट डे का लो है उससे ऊपर ही इसने क्लोज किया है, तो जो ये बनते हैं इनको हम प्रो गैप अप कहते हैं। इसके बाद आपका यह स्टॉक अप ट्रेंड हो जाता है, क्या हो जाता है, अप ट्रेंड हो जाता है। हमें बाय कहां पर करना है, ये तो चला गया ऊपर, ठीक है ना, जैसे ही ये कैंडल बने इसके बाद ऊपर चले गया। आपको जो एक डिमांड जोन है यानी कि प्रो गैप अप है, इसको अपने चार्ट में मार्क कर दो और राइट साइड में इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है। जब भी प्राइस इस प्रो गैप अप में आएगा, जब भी प्राइस इस गैप अप में कभी भी आए, वो एक साल के बाद आए, 6 महीने में आए, 3 महीने में आए या 2 दिन में आए, जब भी आएगा इस गैप अप जोन में, यहां से यह स्टॉक आपका फिर से अप ट्रेंड हो जाएगा और बहुत ही फास्ट मूव आएगा यहां से, ओके। क्योंकि यह जोन एक प्रो गैप अप जो जोन रहते हैं यह FI और DI यानी कि स्मार्ट प्लेयर द्वारा बनाए जाते हैं। वो इसका लॉजिक, इसके पीछे लॉजिक क्या है ना, अगर कोई ट्रेंड डाउन है और वहां से यह अप ट्रेंड हो जाता है, ओके, तो इसको अप ट्रेंड यानी कि गिरते हुए शेयर को कोई भी रिटेलर बाय नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ गिरते हुए स्टॉक को FI, DI या स्मार्ट प्लेयर ही बाय कर सकता है। इसीलिए हम यह मानते हैं कि यहां पर उनके अनफिल्ड ऑर्डर हैं अभी भी, ठीक है ना, तो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि 100 में से 80% चांस हो जाते हैं कि यहां से इस प्रो गैप अप से यह मार्केट, यह स्टॉक दोबारा अप ट्रेंड हो जाएगा, राइट। तो यह गैप अप स्ट्रेटेजी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, यह सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में ही लागू होगा, इंट्राडे में आपको गैप ही नहीं दिखेंगे तो वहां मतलब नहीं बनता, आप इसको वहां पर अप्लाई करें, लेकिन हाँ डे टाइम फ्रेम में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। क्यों, इसका रिस्क रिवार्ड देखिए, आप अगर इस लोकेशन में बाई करते हैं तो आपका जो SL है, SL सिर्फ इतना है, SL कितना है, इतना, लेकिन इसके अगेंस्ट में आपका जो टारगेट है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसका जो रेशियो है 1:4, 5, 8 यानी 1:10 तक मिलते हैं इसके, ठीक है ना। तो इसमें यानी कि हमारे पास SL बहुत ही छोटा रहता है, बहुत ही माइनर, ठीक है, नहीं है, लेकिन रिवार्ड बहुत बड़े हैं। अगर इसमें आपका SL हिट होता भी है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 5-10 पॉइंट का SL रहता है इसमें, इससे बड़ा नहीं है, ठीक है। तो आप गैप अप समझ गए, अब चलते हैं हम गैप डाउन, प्रो गैप डाउन। इसमें भी सेम यही है, जैसे यहां पर डाउन ट्रेंड था, कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड होना चाहिए, 4-5% कम से कम इसमें फॉल होना चाहिए। सिमिलरली यहां पर भी एक स्टॉक ऐसा है जो अप ट्रेंड है, यानी कि 4-5% वो अप
अप है, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड है। लेकिन इस अप ट्रेंड में यह एक क्या है, ग्रीन कैंडल है, ट्रेंड क्या था अप। लेकिन नेक्स्ट डे यह गैप डाउन हो सकती है, यानी कि इस कैंडल की क्लोजिंग यह है, ओके, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग यह है, दैट मींस यहां से यह इतना गैप डाउन ओपन हुआ है यह स्टॉक। जब भी और नेक्स्ट और उस डे में लास्ट में इसने क्लोज कहां पर किया, नीचे, क्योंकि एक एक कौन सी कैंडल है ये किया, एक ये बेरिश कैंडल है, ओपन ऊपर क्लोज नीचे, दैट मींस दिस इज ए बेरिश कैंडल, राइट। तो इसको आप मार्क कर दिए चार्ट में, इसका हाई पकड़िए और इस कैंडल का हाई पकड़िए, इसको आप अपने चार्ट में मार्क कर दीजिए और उसको राइट साइड में एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक, इसको फॉल होने दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी यह प्राइस मूव होके इस जोन में जब भी आएगा, वो फिर से बोल रहा हूं, जब भी आएगा, एक महीना, दो महीना, पांच महीने, एक साल, आपको इस पॉइंट से फिर से सेल करना है, सेल के लिए रेडी होना है आपको। यहां से फिर यह इसी रफ्तार से नीचे आने वाला है, ओके, तो आपको यहां से फिर से सेल करना है और आपके टारगेट इसमें बहुत बड़े बड़े रहेंगे, वो बताएंगे हम बाद में ये टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं इनके। और इसमें एसएल आपका सिर्फ ये रहेगा, यहां से यहां तक का यह एसएल है और यह आपके सारे टारगेट हैं, राइट। तो आप थ्योरी समझ गए, ठीक है, प्रो गैप अप एंड प्रो गैप डाउन, शर्त इसकी ये है, एक अच्छा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होना चाहिए और उसके बाद आपका यह प्राइस जब भी इस जोन में आएगा, किसमें, प्रो गैप अप और प्रो गैप डाउन में, ठीक है, तो वहां पर हमें अपनी पोजीशन बनानी है, यहां पर बाई की पोजीशन, यहां पर सेल की पोजीशन, एसएल हमें इस लाइन के ऊपर रखना है, टारगेट हमारे बहुत बड़े रहेंगे, राइट। तो सेकंड शर्त यह है कि यह सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में ही अप्लाई होगा, इंट्राडे में नहीं होगा, वीकली में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वीकली में क्या आपका स्टॉप, आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वहां पर क्या हमारा आरआर मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये समझ गए आप, इस थ्योरी को हम एक बार समझते हैं चार्ट के थ्रू, चार्ट में यह हम कैसा दिखता है और इसको हम कैसे, ठीक है, तो हम देखते हैं प्रो गैप अप एंड प्रो गैप डाउन, ठीक है, कुछ स्टॉक देखते हैं यह चार्ट में कैसे दिखते हैं। तो हम पहला चार्ट देखते हैं, ठीक है, यह हमारा टीसीएस का चार्ट है, आप यहां पर देखेंगे एक बहुत बड़ा फॉल हुआ है, कम से कम 3900 जब प्राइस था, वहां से यह स्टॉक आपका 3400 तक गया था, कितना, यानी कि यहां से यह 500 पॉइंट का फॉल था टीसीएस में। उसके बाद ये देखिए डाउन ट्रेंड है, कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड है, ओके, इतना बड़ा फॉल होने के बाद नेक्स्ट डे टीसीएस गैप अप ओपन हुआ है, क्या हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है। उसके बाद इसको आप मार्क कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मार्क कर दीजिए, यह कम से कम 3-4 दिन के बाद ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, इसी प्रो गैप अप में आया, उसके बाद आप इसमें रैली देखिए, यह कितना गया, 3400 से 3800 गया, यानी कि 400 पॉइंट का यहां पर गेन हुआ है, किस किसके थ्रू, प्रो गैप अप के थ्रू। नेक्स्ट टाइम फिर से आया, ये इसी रेंज में आया, इसी प्रो गैप अप में आया, उसके बाद देखिए फिर से यहां पर 200 का यहां पर गेन हुआ। लेकिन हाँ, एक बात इसमें ध्यान रखना, यह जब ये प्रो गैप एक बार बन जाता है तो सिर्फ और सिर्फ हम उसमें बाई ओनली वन टाइम ही करेंगे, जैसे कि यहां पर एक बार, एक ही बार करेंगे, दूसरी बार आया बट इतना इफेक्टिव नहीं होता है ये, राइट। तो इसलिए जब भी प्रो गैप अप बनेगा या गैप डाउन बनेगा, हमें उस जोन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार एंट्री लेनी है, ओके। तो हमारा टीसीएस क्या है, यहां पर देखिए आप, यहां पर देखिए, लेकिन हमारे ये एंट्री नहीं लेंगे, हम दोबारा एंट्री लेंगे, सिर्फ हमारी एक ही एंट्री बनती है, जिसमें हमें एसएल हमारा बहुत छोटा रहेगा यहाँ पर, क्या, जहां पर प्रो गैप है उससे आप 10 पॉइंट नीचे लगा दीजिए, और उसके बाद ये देखिए आपका कितने पॉइंट का गेन है, 400 पॉइंट का गेन है, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, ठीक है, ये हमारा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का चार्ट है, आप यहाँ पर सेम थिंग है, यहाँ पर देखिए फॉल है, ये कंटिन्यूअसली फॉल है, ये कितना 3800 से यह 3500 तक फॉल हुआ है, राइट, एक अच्छा सा फॉल है। उसके बाद इस रेड कैंडल के बाद अगले दिन देखिए एक गैप अप ओपनिंग हुई है और क्लोजिंग ऊपर हुई है, ठीक है, तो इसको हमने मार्क कर दिया, क्या कर दिया, मार्क कर दिया। यह भी फ्रेश चार्ट है, आप इसको सेव कर सकते हैं ब्रिटानिया को। जब भी यह प्राइस है इस जोन में आएगा, यानी कि अभी हमारा 3800 चल रहा है, 3600 में जब भी आएगा,
आपको वहां पर बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना। तो आपको यहां बाई ही करना है, टॉप में बाई ही करना है। कभी भी रिटेलर क्या करता है, टॉप में बाई करता है। तो हम लोगों को टॉप में नहीं, आप बॉटम में बाई कीजिए। जो प्रो गैप अप एंड जो प्रो गैप डाउन, जो ये जोन बने रहते हैं, यह L5 और DI के जोन होते हैं, वो यहीं से बाई करते हैं। यानी कि जो स्टॉक गिरता है उसको बाई करते हैं, क्योंकि वो सस्ता खरीदते हैं वो लोग। हम क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर, हम महंगा खरीदते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, उनके साथ यहां बाई करना है आपको। आप इस चार्ट को चाहे सेव कर लीजिए, जब भी इस जोन में आएगा तो यह फिर से अप होगा। कम से कम आपको इसमें 300 से 400 पॉइंट यहां पर मिलेंगे। तो यह है बीटा एनालिसिस का। अब नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, ठीक है। यह है डिव स्लैब्स का। आप इसमें देखेंगे यहां पर यह भी सेम 39,500 से फॉल हुआ था, और यह 34,450 तक आया था। उसके बाद एक यहाँ पर प्रो गैप अप बना है। ये क्या प्रो गैप अप, यहां पर देखिए यह नेक्स्ट डे आया, ऊपर गया। अब यहां पर फिर से इसने रिएक्शन दिया है सेम। देखिए अगली बार इसका जो नेक्स्ट टारगेट है ना, ये फिर से 3800 की ओर जाएगा। अभी 3572 है, तो जो टारगेट है ये कहाँ जा रहा है, 3800 की ओर जा रहा है। कहां से जा रहा है, देखो इतना बड़ा फॉल एक दिन में, इतना बड़ा फॉल यानी कि 200 पॉइंट फॉल में, 150 से 200 पॉइंट फॉल हुआ है। उसके बाद देखिए अगले दिन रिएक्शन देखिए, यहां से कहां से, प्रो गैपअप जोन से। क्योंकि ये FI और DI का जोन है, आप इनके साथ राइड कीजिए, आपको लॉस नहीं होगा। आपके 10 में से आपके 8 ट्रेड सही होंगे। दो ट्रेड में अगर आपका ऐसा हिट होता भी है ना, तो वो बहुत माइनर रहेगा, लेकिन आपके प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े रहेंगे, राइट। तो नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, यह है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का चार्ट है। आप यहां पर भी सेम थिंग है, ये प्रो गैप अप यहां पर बना, और यह प्राइस जब भी इस जोन में आएगा, कहां पर, यह लेवल हमारा 365 का लेवल है। कौन सा चार्ट है, हिंडाल्को। अभी चल रहा है 397, अभी इसका शेयर प्राइस चल रहा है। जब भी यह 360 365 के रेंज में आएगा तो आपको यह पिकअप करना है, और SL आपको नीचे लगा देना है। कहां पर, 350 में SL लगाना है, और टारगेट आपके फिर से वही रहेंगे, कहां 410 440 के आपके टारगेट रहेंगे इसमें, ठीक है ना। देखो इसमें ऐसा तो किए, रिस्क रिवार्ड देखिए, ठीक है ना। तो स्टॉक को ऐसे ही फाइंड किया जाता है, लेकिन आप कैसे फाइंड करोगे इनमें, आपको देखना पड़ेगा, आपको हर चार्ट चेक करना पड़ेगा। और हो सकता है मैं आपके लिए एक स्क्रीनर बना दूंगा कि आपको ऑटोमेटिक बता देगा कि कहां पर प्रो गैप है और प्रो गैप डाउन है। तो इसके लिए आई चार्ट में हम स्क्रीनर बना सकते हैं, तो मैंने तो बना रखा है, तो मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट में। यह है एचडीएफसी का चार्ट है, जिसमें आप इस लोकेशन में देखिएगा ट्रेंड कंटिन्यूअसली अप, ठीक है। कितना है अप, 2000 से यह स्टॉक आपका 2500 तक गया, यानी कि 500 पॉइंट यहां पर कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड था। लेकिन नेक्स्ट डे यह गैप डाउन ओपन हो गया। क्या गैप डाउन ओपन हो गया, इसमें तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, कोई नहीं जानता कि यहां से गिर जाएगा, इतना अप ट्रेंड है यहां पर गिर जाएगा। लेकिन यह मुझे क्या मिल गया, जोन मिल गया, यह प्रो गैप डाउन जोन मिल गया। ट्रेंड अप था लेकिन उसको डाउन कर दिया। डाउन कौन करेगा, रिटेलर नहीं, FI एंड DI डाउन कर दिया। जब भी इस जोन में प्राइस जाएगा, यानी कि 2500 में जब भी जाएगा, वहां से आपको सेलिंग ही देखनी है, आपको बाइंग नहीं देखनी है। आपको हायर प्राइस में तो कभी स्टॉक खरीदने ही नहीं है। आप देखिएगा यहां पर देखिए, जब इस जोन में टच किया जैसे ही प्राइस ने, उसके बाद आप फॉल देखिए कितना भयंकर फॉल है। 2500 से फिर से यह स्टॉक आपका कहां आ गया, यह 2200 में आ गया, यानी कि 300 पॉइंट का फॉल है। कहां से, प्रो गैप डाउन से। इसीलिए यह इतने पावरफुल होते हैं, ये सप्लाई जोन है सारे के सारे, इतने पावरफुल होते हैं। यहां से भयंकर रिएक्शन आता है, किसका, FI का। क्यों FI का, इसलिए आता है यहां पर उनके अनफील्ड लिमिट ऑर्डर लगे रहते हैं। वो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, वो हमारे तरह मोबाइल से नहीं करते हैं, वो कि लिमिट लगाएंगे, प्राइस को वॉच करेंगे तो नहीं करते हैं। वो लाखों करोड़ों में शेयर का बाई सेल करते हैं, तो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए उनके लिमिट ऑर्डर यहाँ पर अनफील्ड रहते हैं। जैसे ही प्राइस आएगा वो सडनली एग्जीक्यूट होते हैं और प्राइस फॉल हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, HDFC हाउसिंग का, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, यह है आपका इंद्रप्रस्थ गैस का एक चार्ट है, जिसमें देखिए आप यहां से इसको 330 से 2500
प्राइस 440 तक गया था, 330 से 440 तक गया था। ट्रेंड देखिए, अब एक यहां पर एक जोन बन गया, क्या जोन बन गया, एक गैप अप, ये ट्रेंड अप। नेक्स्ट डे गैप डाउन, क्या था, गैप डाउन। आप इसको अपने चार्ट में मार्क कर दीजिए आगे, ओके। अब ये वेट कीजिए, वेट कीजिए। आपको ऐसे बहुत सारे चार्ट देखेंगे आपको, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, आपको चार्ट रीड करने पड़ेंगे, आपको मार्केट को समय देना पड़ेगा, आपको आपको ऑफलाइन बैठना पड़ेगा। ये लाइव मार्केट में हम नहीं ढूंढ सकते हैं, क्यों, लाइव मार्केट में हमें ट्रेडिंग करनी होती है, तो इतना अच्छा हम स्टडी नहीं कर सकते। स्टडी के लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा, वो आपको ऑफलाइन मार्केट में समय देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जब भी, दोबारा देखिए कितने दिन के बाद आप कैंडल की काउंटिंग कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग रूम में। यहां से देखिए यहां तक प्राइस गया, जब यहां पर गया उसके बाद देखिए एक कैंडल में कितना फॉल हुआ, उसके बाद फॉल देखिए, कंटिन्यूअस फॉल है अभी भी, ठीक है कि नहीं है। तो एसएल आपका इस पॉइंट में बहुत ही छोटा होता है। टारगेट देखिए आप उसके अगेंस्ट में, आप यहां एंट्री लेते हैं, एसएल लगाते हैं, टारगेट देखिए आपके 3 गुना 4 गुना 5 गुना या 10 गुना तक टारगेट यहां पर हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग का ये चार्ट है जो अभी एक्टिवेट हुआ है, ध्यान रखना, जो अभी एक्टिवेट हुआ है, यानी कि आज ही एक्टिवेट हुआ है ये, आज डेट है 14 अक्टूबर, राइट। आप देखिएगा इसमें यहां पर एक ट्रेंड अप है, ये ट्रेंड कहां से गया, 105 से 138 तक, 105 से 138 तक कंटिन्यूअसली कितना परसेंट होता है आप तो देख लीजिएगा, ये कम से कम हमारा कितना 30 से 35% ये स्टॉक हमारा अप हुआ है ये, राइट, डायरेक्ट अब ट्रेंड था, ठीक है। 35% बहुत होता है, जो हमारे सर टर्म्स एंड कंडीशन कितना है, वो 4-5% की है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो आप मार्केट अप ट्रेंड, नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हो गया, क्या गैप डाउन ओपन हो गया। देखिएगा दो कैंडल रेड बनी, प्राइस डाउन, एक ग्रीन बनी। आप क्या करोगे या रिटेलर क्या सोचता है, अब तो ये अप ट्रेंड जाएगा, कहां जाएगा, अप ट्रेंड जाएगा, मैं बाय कर लेता हूं, ठीक है, नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता। तो गैप अप डाउन, गैप डाउन की पावर देखिए, ठीक है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, यहां पर भी एक ग्रीन कैंडल बनाई। नेक्स्ट डे देखिए प्राइस जैसे ही इस जोन में गया, कौन से जो हमने ड्रॉ किया है प्रो गैप डाउन में, यहां से फॉल देखिए 132 से आज 124 में क्लोज हुआ है, कितना परसेंट होता है, आप कम से कम 10% डाउन हुआ है ये स्टॉक, तो आप देख सकते हैं यहां पर, राइट। तो यह क्या है, प्रो गैप डाउन, ठीक है। नेक्स्ट है एसबीआई कार्ड का चार्ट है ये, इसमें भी सेम थिंग है, 750 से यह स्टॉक कम से कम 1000 तक गया था, कितना 1000 तक, देखिए कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड, लेकिन यहां पर एक प्रो गैप डाउन, मार्केट अप था, फर्स्ट डे अप था, बहुत बड़ा ब्रिस्क मार्केट, लेकिन टुमारो यानी कि नेक्स्ट डे क्या होता है, यहां पर गैप डाउन ओपन होता है। आप इसके बाद एक फॉल देखिए, गैप डाउन होने के बाद फॉल देखिए, मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड है तो रिटेलर वहां पर शॉर्ट नहीं कर सकता है, उसकी हिम्मत नहीं है, क्यों, ड्यू टू फियर, ठीक है, हमें फियर आता है। अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड है, यानी कि बड़ी बड़ी हमारी ग्रीन कैंडल बन रही तो हम बाई नहीं कर सकते हैं, ओके, तो रेड कैंडल बन रही है तो बाई नहीं कर सकते हैं, सॉरी। और अगर कोई अप ट्रेंड है, बहुत बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही, तो यहां हम टॉप में सेल नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों, हमें ये लगेगा नहीं यार स्टॉक और ऊपर जाएगा, लेकिन इसको FINDI यहां पर मूव करते हैं, यानी कि ट्रेंड रिवर्स करते हैं। यहां पर भी वही किया, FINDI में फॉल किया, लेकिन आपको वेट करना है कि जब भी यह प्राइस इस जोन में आएगा, ठीक है, यह प्रो गैप डाउन यानी कि सप्लाई जोन में आएगा, वहां पर आपको वेट करना है और तुरंत आपको सेल कर देना है, राइट। तो आप देखेंगे एसएल आपका बहुत छोटा सा है, माइनर सा, ठीक है, 15-20 पॉइंट का एसएल है, यानी कि अगर 975-980 में अगर आप सेल करते हैं तो जो आपका एसएल है वह आपका 1000 यानी कि 20 पॉइंट का एसएल है, कितने का, 20 पॉइंट का एसएल, अगर आप इक्विटी, जहां पर हम इक्विटी में ही बाई करेंगे। उसके बाद फॉल देखिए आप, 1 2 3 4 चार दिन में यह स्टॉक 850 आ गया, कितना 850, कहां से, 980 से 850
50 तक आ गया। आप सोच लीजिए कि कितना रिटर्न इस स्टॉक ने लिया है, राइट? ओके, तो नेक्स्ट है अदानी पावर का। एक अदानी पावर का देखेंगे आप, तो सेम थिंग यहां पर देखो, 240 से यह स्टॉक 420 425 तक मूव किया है। आप कैलकुलेट कीजिए कि कितना परसेंट अप है ये। यहां पर सेम फिर से वही जोन बने हैं, क्या फिर से वही जोन बने हैं। उसके बाद देखिए आप डाउन, उसके बाद जैसे ही इस जोन में प्राइस आया, इस जोन में इसी प्रो गैप डाउन में, उसके बाद देखिए फॉल, देखिए इसमें और यह और फॉल हो सकता है, राइट? तो आप देख रहे हैं कि प्रो गैप अप और गैप डाउन की कितनी पावर होती है, ठीक है? होप आप समझ गए होंगे, और कोई भी क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम में आप पिंग कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो और आपको कुछ भी क्लेरिफिकेशन चाहिए मैजिकल गैप्स के बारे में, ठीक है? तो ऐसे ही मैं आपके लिए अगली बार वीडियो लाते रहूँगा। नमस्कार।